लार्ड टाइम से पहले सवाल आया था, आया करवा दूं? हाँ हाँ स्नैन दादा वाली से पहले वाली। हाँ सर, तो सवाल में था प्रिपेयर स्टेटमेंट विक्रम प्रोडक्शन यूनिट्स और कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड मतलब यूजेज को तोड़वाया गया है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट और एफिशिएंसी और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर भी निकालना है। वॉल्यूम नहीं पूछा, मगर वॉल्यूम के दो टुकड़े होते हैं एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, वो पूछा है। ऑनलाइन वालों साथ हो, ऑनलाइन वालों? यस सर। आए सर सवाल पढ़ते रहे। फॉलोइंग फॉर द पर्टेन्स टू वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वायलेट ऑफ ब्लू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2021। सर प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज बजटेड एट 12,000 यूनिट्स। कितना था बजटेड सर? 12,000 यूनिट्स का। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वायलेट इज एज फॉलो। सही, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए होता है, निकाल लो सर। डायरेक्ट मटेरियल सर अल्फा के 4 kg, बीटा के 6 kg, सर 800-900 रुपए के, 800-900 रुपीज सर टोटल दे दिया। तो सर मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट अल्फा और बीटा, 4 kg और 6 kg है। हाँ सर 4060 का रेशियो है सर, 800-900 रुपए, 800 और बताओ रेट कितना आया, 200 का और ये 150 का है मेरे ख्याल से। यस सर। सर फिर आपसे कह रहा है डायरेक्ट लेबर 2 घंटे लगते हैं 300 रुपए के, 2 घंटे कितने के, तो हर 1 घंटा कितने का हुआ, 150 का। इसके बाद सर आपसे कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या कह रहा है सर? सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स सर 260 रुपए, 2 विंग्स है, एक वेरिएबल होगा एक फिक्स्ड होगा। हाँ सर, सर आपसे कह रहा है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे आपको स्टैटिक दिया हुआ है, वर एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर 12,000 यूनिट बजटेड है तो आवर्स कितने हुए, 24,000 आवर्स कितने हुए सर, 24,000। तो सर मुझे एक बात बताओ, आपके पास FOH बजटेड है 1.2 मिलियन का, कितना सर बजटेड आवर्स, सर बजटेड आवर्स की मैं बात करूं तो सर आपके पास जो बजटेड आवर्स है वो है सर कितना, 12,000 × 2, क्योंकि लेबर के एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, तो कितना आया, तो सर मेरे पास ये कितना आ गया FOH पर आवर कितना, और सर FOH पर यूनिट की मैं बात करूं सर नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट 2 है, तो सर आपके पास OAR पर यूनिट कितना, 100। डन हो गया सर, 260 में अगर 100 FOH है कितना है, और 50 रुपए और 2 घंटे, सर ये मैं लेकर आया हूं नीचे वर्किंग से, तो सर वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया सर मेरे पास, 260 माइनस 100, हाँ सर 160, इससे भी 2 घंटे, तो रेट कितना हो गया सर, 80 रुपए का। क्या यहाँ तक मेरे साथ, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं ना सर, क्या यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। सर ये तो मैं पूरी कहानी मुका चुका। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कब स्टार्ट हो जाते हैं सर, बिगनिंग में। BL accounts for material price variances at the time of issuance of material to production. मतलब सर जब material production को use हो रहा होता है तब आप क्या करते हो, variance निकालते हो। And uses FIFO method for inventory valuation. मतलब सर पहले जो method, पहले जो आपका होगा वो पहले वो use होगा, तो उसके बाद दूसरा होगा। Following information has been extracted from the stock cards of alpha and beta. सर alpha का 2,000 kg opening में था 220 वाला और 4,000 था 190 वाला। सर FIFO method होता है कि हम अलग racks के ऊपर अलग माल रखते हो।
सर ये खरीदा इस रेट पे क्या होगा, मगर हमने इसको इस रेट पे वैल्यू नहीं किया, हमने इसको एक्चुअल रेट पे ही रखा था, अब क्या होगा जैसे जैसे मैं यूज करता रहूंगा तब तक वेरियंसेस मैं निकालता रहूंगा। अब सर बैग रख के चले जाओ, सर चुपचाप से आपके पास सर 2,000 kg और 4,000 kg अल्फा का, और सर बीटा का भी ओपनिंग में 4,000 kg था, अलग अलग अमाउंट का था, कौन सा था अलग अलग अमाउंट का था। अब सर जरा ये बताओ सर यहां से तो मुझे सबसे पहले बताओ सर इशू कितना हुआ प्रोडक्शन को, कितना इशू हुआ है सर 60,000 प्रोडक्शन को इशू हुआ, मतलब सर 2,000 पहले मैंने यहां से यूज किए होंगे। हाँ सर, फिर सर ये वाला मेरे पास 3,000 बचे हुए थे, कितने बचे हुए थे, कितने बचे हुए थे 3,000 बचे हुए थे, मतलब सर मैंने क्या किया इस 3,000 को यहां से इस्तेमाल किया और बाकी कहां से यूज कर लिए 195 वाले, बाकी कहां से यूज कर लिए 195 वाले। तो सर मुझे एक बात बताओ आपके पास मैं सर एक्चुअल मटेरियल की कोई वर्किंग कर लूं, हाँ सर एक्चुअल मटेरियल्स एक है अल्फा और एक बीटा यहां बना लेता हूं, सही है सर अल्फा क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट सर टोटल क्वांटिटी यूज हो रही है कितनी 60,000 की और वहां हो रही है कितनी 70,000 की, कितनी हो रही है यूज सर सबसे पहले मैं 60,000 यूज करना था, सबसे पहले मैंने क्या किया यार सर मेरे पास ये 2,000 पड़े हुए थे, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा भाई आ जाओ प्रोडक्शन में, उसको मैंने क्या यूज कर लिया प्रोडक्शन में यूज कर लिया 2,220 वाले, 2,000 कितना आया ये 440 सर। फिर मैंने क्या किया सर ये जो 4,000 वाला मेरे पास ओपनिंग में जो पड़ा हुआ तो था, मगर से 4,000 वाला सर उसमें से मैंने 1,000 माइनस कर दिया। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये 1,000 जो है 4,000 वाले में तो रिटर्न हुआ है, 2,000 वाले में तो रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि सर अमाउंट कौन सी सर अमाउंट, सर मुझे अमाउंट से पता चल गया क्या ये जो रिटर्न हुआ है, ये जो रिटर्न हुआ है ये फ्रॉम 190 रुपीज वाला हुआ है, 220 वाला रिवर्स नहीं हुआ। तो सर मतलब मेरे पास जो 190 वाले यूनिट थे वो कितने थे 3,000, कितने थे सर 3,000 आपने यहां से यूज किए, 3,000 आपने कितने रुपए में 190 कितना आ गया। फिर सर आपके पास आया कि सर आपका सर बाकी कितना बच गया, जो भी बचे थे 195 वाले यूज किए आपने, कितना वाले यूज किए 195 वाले सर, 60 में से अगर ये होगा तो 55,000 और यूज किया आपने। हाँ सर 55,000 इंटू 195 करो कितना आता है 10, कितना आ गया 10.725 मिली। सर ये बीटा की बात करते हैं, सर बीटा 17,000 यूज हुआ। अब सर मुझे एक बात बता सर यहाँ पर भी एक परचेज रिटर्न है, सर रिटर्न कितनी है 500 रिटर्न है, कितनी रिटर्न है 500 की रिटर्न है, कितने रुपए वाली 140 वाले। तो सर ये 140 वाले ये गए होंगे, 140 वाले ये गए होंगे, यस सर। तो सर आपके पास आया क्या तुम्हारे पास इसके अगर 100 तुम्हारे पास ये 500 गए हुए हैं, चुपचाप बैठो ना बाहर जाओ सर, 500 यहाँ पे गए हुए तो कितने बच गए होंगे सर, मतलब सर बीटा के लिए 70,000 का जो यूज हुआ है उसमें से 3,500 ओपनिंग में यहां से आए, 3,500 आए कहां से 140 वाले में से। बाकी सर तुम्हारे पास और ओपनिंग में पड़ा हुआ था कितना 4,150 वाला, 4,150 वाला सर 70 में से अगर मेरे पास 7,500 यहां से आ गए तो 62,500 बाकी आ गए कहां से 155 में से, 155 बताओ अमाउंट बता दो मुझे 490 9.6875 बताओ आर एस टोटल कितना हुआ, ये टोटल मटेरियल यूज कितना हुआ, ये हो गया 11.735 कितना
10.775 अब सर मुझे एक्चुअल कार्ड बनाना है, क्या बनाना है? एक्चुअल कार्ड सर मेरे पास अल्फा क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, अल्फा एंड बीटा। सर अल्फा की क्वांटिटी कितनी यूज हुई है? टोटल 60,000। कितनी हुई है सर? 60,000 की अमाउंट कितनी है तुम्हारे पास? अमाउंट कितनी तुम्हारे पास? 11,735। रेट कितना है? रेट कितना आएगा? वेटेड एवरेज निकाल लो, 195 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है। बस हम इसको वहां पे फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। क्या कर यूज कर लेंगे? फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। सर बीटा का, बीटा का कितना आया है? 70,000। कितनी अमाउंट? 10.777500। बताओ रेट कितना आया? 153 पॉइंट एग्जैक्ट है। तो जब मैं वेरियंस निकाल लाऊंगा तो मैं क्या यूज कर लूंगा? फ्रैक्शन यूज कर लूंगा। तुम में से कोई एक बात नहीं करेगा, बता रहा हूं, सही है? चुपचाप, या तो मैं बाहर चलो गेमिंग जोन में, आधे घंटे बाद आ जाना। अल्फा बीटा हो गया। इसके बाद से सवाल में कह रहा है तुमसे, कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड फॉर अगर 2021 सारे अंडर। सर डायरेक्ट लेबर को हमने पे किया है कितने घंटों का? सर हमने इतना पे किया है सर, इंक्लूडिंग 10% आइडल आवर्स ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। सर क्या लेबर का तुमसे आइडल टाइम का वेरिएंस पूछा उससे कहीं नीचे? अगर पूछता तो मैं निकाल लेता, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं आवर्स पेड और आवर्स वर्क, सर एफिशिएंसी पे निकलता, आवर्स वर्क पे। किस पे निकलता? आवर्स वर्क के ऊपर निकलता। तो सर 26,730 है। ऑनलाइन वालों साथ हो? ऑनलाइन वालों यस सर। सर तुम्हारे पास 4 मिलियन का, कितने का है सर? 4 मिलियन का। किसान मैं रेट निकाल लूंगा, 4 मिलियन लेबर, 4 मिलियन की अमाउंट है सर, 26,730। बताओ आरिश कितना आया? वो कितना? 149.64 एग्जैक्ट। सर मतलब तुम्हें जब भी वेरिएंस रेट वेट के निकालने होंगे तुम्हें एग्जैक्ट फ्रैक्शंस यूज करने पड़ जाएंगे। सर वो का, हाँ किसके, इसके भी आवर्स वही होंगे? नहीं सर, सर वेरिएबल का सर जब आवर्स वर्क किया होगा तब वेरिएबल प्रोडक्शन लगी होगी। तो सर 2 मिलियन जो है सर ये तुम्हारे पास आवर्स पेड पे नहीं आएगा, ये किस पे आएगा? 26,730 का 90% सर। नहीं सर, ये 26,730 में तुम्हारे पास क्या है? 10% आइडल टाइम शामिल है, हटाना पड़ेगा, इंक्लूडेड है नहीं, इसको डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो 26,730 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आता है? 24,000। बताओ कितना आया? 82.8 एग्जैक्ट। इसको भी फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, सही है। सर फिक्स ओवरहेड का कुछ बताया इसने? नहीं सर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर? 1.4 मिलियन का फिक्स ओवरहेड। डन हो गया। इसके बाद सर हमारे पास एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ, एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 वर 12,500 यूनिट्स। सर ये सेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? सर वेरिएंसेस निकलते हैं ऑन बेस, आप क्या क्या किसके जो प्रोड्यूस होते हैं। सर ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने? 1200 बेचे, 12,500 क्लोजिंग में 1500 है, तो मेरे पास आ जाएगा सर कितने कंप्लीट हुए ड्यूरिंग द पीरियड? सर 1200 और 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस ओपनिंग में कितने? 1200। ये साल नहीं बने होंगे। सेल हुए कितने? क्लोजिंग में कितने? तो बताओ प्रोड्यूस कितने में ड्यूरिंग द ईयर?
12,800 आपने सब प्रोड्यूस किया, तो सर आपके पास जो एक्चुअल मटेरियल वगैरह सब ऊपर जो है वो किसकी वजह से, इसकी वजह से। फिर सर तुम्हें कह रहा है वर्क इन प्रोसेस 1,000 का ओपनिंग है, 500 का क्लोजिंग है, और बीएल यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। सर 1,000 यूनिट्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है और क्लोजिंग कितना है 500। सर क्या क्वांटिटी शेड्यूल बना सकता हूं? क्वांटिटी स्केड्यूल। सर क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट, सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है सर 1,000। सर ये फीफो मैट यूज करता था? हाँ सर, क्या फीफो मैट यूज करता था? तो सर ये मटेरियल आपका सारा स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में यूज होता है, मटेरियल के हिसाब से 100% था, कन्वर्जन के हिसाब से कितना था 60%। एंड सर आपने स्टार्ट ड्यूरिंग द पीरियड कितना किया सर? सर ये आपको बैलेंस फिगर लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? सर मैं आउटपुट देख लेता हूं, क्या देख लेता हूं आउटपुट। तो जब मैं आउटपुट पे आया तो सर मेरे पास जो कंप्लीटेड हुए हैं क्या हुए हैं 12,800 हुए हैं। कितने हुए 12,800? तो सर तुम्हारे पास फ्रॉम ओपनिंग कितना है सर 1,000। सर कंप्लीट टोटल हुए कितने 12,800। एंड फ्रॉम न्यू कितना सर? ये मटेरियल के हिसाब से इस दफा 0% लगा इनके ऊपर, और सर कन्वर्जन के हिसाब से इनके ऊपर 40%, ये 100% हुआ होगा। सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तुम्हारे पास कितना सर 500 यूनिट्स, मटेरियल के हिसाब से 100% है और कन्वर्जन के हिसाब से 80% सेट हो गया। इसके बाद सर तुम्हारे पास बताओ ये टोटल आउटपुट कितना है? सर कोई लॉस की बात नहीं की, कोई नॉर्मल ऑफ एक्सपेक्टेड या कोई एबनॉर्मल ऑफ तुम्हारे पास नहीं थे इस सवाल के अंदर। तो सर 12,800 और 500 कितना हो गया 13,300। तो सर तुम्हारे पास जो यहाँ पर इनपुट ये 13,300 है, तो सर तुम्हारे पास इसका भी बैलेंस 13,300 होना चाहिए। तो सर बैलेंसिंग फिगर आ गई स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। वैसे काम कोई जरूरत थी नहीं। अब मुझे क्या बनाना है सर? ईपीयू बनाना है। क्या बनाना है? ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कॉस्ट एलिमेंट। सर कॉस्ट एलिमेंट मेरे पास सर दो मटेरियल है, मटेरियल एक नहीं है। कितना मटेरियल है? दो है, अल्फा है बीटा है। फिर सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर आएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, और सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी लाना पड़ेगा। क्यों सर? आपको कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालना है। चाहिए सर आपके पास आ गई कॉस्ट, कितनी थी सर अल्फा की 11.735। रिवर्स वर्किंग है फॉर परचेज, बेटा रिवर्स वर्किंग नहीं है परचेज की, परचेज की इल्मा सिंपल सिंपल वर्किंग है। तो आपने ओपनिंग को नेगेटिव में क्यों रखा है? ओपनिंग को नेगेटिव में क्यों रखा है? किधर सर, किधर रखा नेगेटिव में? अब वो बाद में उसका ब्रेकअप है साले, वो नहीं है, नेगेटिव नहीं है ये। ओके सर तुम्हारे पास कॉस्ट बीटा की कितनी थी 10.775। डायरेक्ट लेबर कितना था 4 मिलियन का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे 2 मिलियन के, और सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे 1.4 मिलियन के। डन हो गया सर, कंप्लीटेड ओपनिंग एंड फ्रॉम न्यू। सर क्या ओपनिंग के ऊपर कोई मटेरियल लगा है? मटेरियल के हिसाब से ओपनिंग वाले कंप्लीटेड थे। हाँ सर, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सर ये ओपनिंग के हिसाब से इस दफा कितना लगा है 40%। कितना लगा है? तो सर तुम्हारा 1,000 का 40% कितना आया 400 और 400। सर न्यू कितने थे तुम्हारे पास 11,800, सब पे सब कुछ कंप्लीट कंप्लीट लगा है 11,800 और 11,800। सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सर कन्वर्जन के हिसाब से कितना कंप्लीट है 80% है। कितने यूनिट्स ये 500, तो अलग लिखा हुआ है
500 फिर 400 400 और 400। बताओ ईपीयू कितना आया, 11,800 12,300, ये भी 12,300, ये आ गया 400 400 800 11,800 12,600 12,600 और 12,600। कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत है क्या? टोटल वेरियंस मांगे नहीं उसने, उसने मुझे बायफर्केट करके दिया है कि एक्चुअली मुझे वेरियंस किस चीज का चाहिए। बताओ कितना आया, 954.07। ये इसका बताओ, 4 मिनट बाद 12,600 बस का न्यूमरेटर चेंज करता रहे, डिनोमिनेटर सेम रख, 317.46 दस 10.11 टोटल बताओ। पहले मटेरियल द प्राइस, सर मेरे पास दो हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा, सर स्टैंडर्ड रेट कितना था अल्फा और बीटा का? सर अल्फा का 200 था, बीटा का 150 था, यही था एक्चुअल रेट जो सर तुम लेकर आए हो, मगर सर तुम्हारे पास एक्चुअल रेट सही आया नहीं था तो फ्रैक्शन यूज करना। क्या यूज करना? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था सर? फ्रैक्शन था तुम्हारे पास 11.735 डिवाइड बाय 60,000, 11 डिवाइड बाय 60 कर लो, और क्वांटिटी 60,000 क्वांटिटी थी और 70,000 थी एक्चुअल क्वांटिटी। और सर बीटा का तुम्हारे पास जो था, बीटा का था तो तुम्हारे पास 10,777,570,000 10,777,500 डिवाइडेड बाय 70,000। बताओ वेरियंस कितना आ गया? तो 67,65,000 इसका आ गया एडवर्स टू 77,500। डन हो गया। अब सर मुझे इसका निकालना है मिक्स एंड यील्ड वेरियंस, तो पहले मैं यूजेज भी निकाल दूं साथ साथ। हाय सर, यूजेज अल्फा एंड बीटा, सर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट तो 200 और 150, एक्चुअल क्वांटिटी भी मेरे पास 60,000 एंड सर हमारे पास जो मटेरियल जो यूज हुआ है सर वो यूज हुआ है 12,300 यूनिट जितना, कितना सर 12,300 यूनिट जितना हुआ है। तो मुझे बताओ सर कि तुम्हारे पास हर एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कितना था इनपुट? सर स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था 4 kg और 6 kg, कितना सर 4 और 6, तो सर 12,300 × 4 12,300 × 4 और यहां पर 12,300 × 6 टोटल वेरियंस कितना बता रहा है? 277,500 नेगेटिव। कैसे बेटा अल्मा? अच्छा ठीक है, वो प्राइस का बता रही है अभी तो। प्राइस 70,000,
सर यूजेज मांगा नहीं था तुमसे, मिक्स एंड यील्ड मांगा, क्या मांगा है मिक्स। सर मुझे एक बात बताओ, टोटल क्वांटिटी तूने यूज कितनी की है? 130,000 होनी कितनी चाहिए थी? 123,000। तुमने 7,000 केजी ज्यादा यूज कर लिया है। तो सर मुझे एक बात बताओ, तो आपका मिक्स है, अगर तुम इंसान के बच्चों की तरह काम करते तो तुम यही वाली क्वांटिटी 123,000 में यूज की 130,000 कितनी सर? 130,000 की क्वांटिटी यूज की है सर। ये होनी चाहिए थी 40:60 के रेशियो में, तो 13:13 26:13 52,000 होना चाहिए था। हाँ, तुम 52,000 ये यूज करते और 130 का 60% ये 78,000 यूज करते, तुमने पख मचाई। तुमने क्या किया? तुमने 60,000 उठा के ये यूज कर दिया। यार या तो चुप रहो या बाहर चले जाओ 10 मिनट के लिए, ठीक है? इन बच्चों का पेपर एक हफ्ते बाद। 60,000 हमने ये यूज कर लिया और 70,000 हमने ये यूज कर लिया स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी एट द रेट स्टैंडर्ड मिक्स, और ये एक्चुअल क्वांटिटी एट द रेट एक्चुअल मिक्स। इसका हमेशा डिनर बॉटम लाइन क्या होगी? मैच करेगी। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 200 और 150 का। बताओ वेरियंस कितना आ गया मिक्स का? मिक्स का वेरियंस कितना आ गया? जी, बहुत पहले बताया था 1.6 मिलियन, 1.2 मिलियन फेवरेबल आएगा। ये ओवरऑल क्या आ गया? 4,00,000 का नेगेटिव आ गया मिक्स। यूजेज में यूजेज हमने कहा अल्फा और बीटा, तुम्हें यूज होना चाहिए था कितना? 123,000। कितना? 123,000 यूज होना चाहिए था, वो भी किस रेशियो में? सर जो मैंने ऊपर निकाला था यार, 123,000 तुम्हें यूज करते 49,200 और 73,800 के रेशियो में। मतलब सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट द रेट स्टैंडर्ड मिक्स। हमने कहा एक्चुअल क्वांटिटी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तुम क्या लेकर आ गए गोडाउन से? तुम गोडाउन से 30,000 लेकर आ गए। मगर सर जैसे ही मैं इसको एक्चुअल मिक्स के हिसाब से लाता, उसने कहा यार ये तो हमारे शेफ की गलती है कि उसने मिक्सिंग क्या करी, गलती करी। हम ये बात का खमियासा भुगत लेंगे कि हम क्या करें, कि हम लोगों ने गोडाउन से ज्यादा माल लेकर आए। तो उसने कहा ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी एट द रेट तुम्हें स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से बता दो, कि अगर वो अपना काम सही करता और तुम कर लेते तो आप कितना खमियासा आता। इससे कहा 130 में लेकर आया तो उसको मिक्स करना चाहिए था 52,000 की रेट पे और 78,000 पे। स्टैंडर्ड रेट कितना आया? 200 और 150। वेरियंस बता दो कितना आ गया? 2800 × 200 = 560 और तुम्हारे पास 70,800 की जगह तुमने 78,000 यूज कर लिया, 4,200 ज्यादा यूज कर लिया 150 के हिसाब से, 630 आ गया। टोटल 11,90,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा यूजेज वेरिएंस से क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। यूजेज वेरिएंस टोटल कितना था? 1.10 हो गया ये वाला पार्ट। मटेरियल वेरिएंसेस निकाल लिए हमने सारे, ये वाली रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल हो गई। फिर क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट और एफिशिएंसी का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस सर, एक उससे मांगा है रेट का, कौन सा मांगा है? रेट का। सर एज पर बजट में पर रेट कितना था? बजट के हिसाब से मेरे पर रेट था 80 का। कितना? 80 का। एक्चुअल में कितना हुआ है? एक्चुअल में हमारा वो आ रहा था ना, ये इसको मैं फ्रैक्शन यूज कर लूंगा, 2,024,300 बजट कितना था? 80। कितने आवर्स? 24,300। सर ये हम लोग कौन से लेंगे? जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हुए हैं, ना ही के जो एक्चुअल आवर्स पेड हुए हैं। कितने?
5 2 2 9 4 सेवन का कौन सा? नहीं यार बहुत अलग बता दिया तुमने, 82 दो का फर्क है, 24,300 है, इतना फर्क नहीं आएगा, 24 और 24 48 करीब करीब आएगा यार, 56,000 एडवर्स है ना, एडवर्स है। मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, या बाहर चले जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कीजिए 10 मिनट चुप हो जाओ, सिर्फ 10 मिनट, कुछ नहीं होगा 10 मिनट से। एफिशिएंसी, तुमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से देखोगे तुम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड पे कितने यूनिट्स बनाए, 12,600, तो 12,600 यूनिट के लिए तुम्हारे पास कितने घंटे लगते? सर हर एक यूनिट बनाने में हमारे पास जो वेरिएबल था वो आ रहा था सर कितना, 2 घंटे, कितने 2 घंटे, तुमने कितने लगा दिए, 24,300, स्टैंडर्ड रेट कितना था 80 का, बताओ कितना आया, 12,600 25,200 72,000 एडवर्स फेवरेबल सर, फिर तो आप फिक्स ओवरहेड आ गया, फिक्स ओवरहेड के अंदर तुम्हारे पास एक है तुम्हारे पास क्या, एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, इजी है, 1.2 मिलियन बजटेड था, कितना करा तुमने, 1.4 मिलियन एडवर्स आ गया 2 लाख का। फिर सर मेरे पास आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के हिसाब से 12,000 यूनिट होने चाहिए थे, तुमने कितने कर लिए सर, तुमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का कहा गया एपी 12,600 माइनस 12,000, अच्छा काम किया, और हर एक यूनिट पे ऊपर ओएआर 100 रुपए का था, कितना आया ये, कितना 6,000 या 6,500, हाँ पक्का 60,000। दो वजह है सर, एक है कैपेसिटी, क्या है यार तुम्हारे पास कैपेसिटी थी, तुम्हारे पास कैपेसिटी थी कितनी के तुम कर क्या कर लो 12,000 × 2 24 घंटे काम करो, तुमने कितने घंटे काम किए, 24,300, कितने क्योंकि हम ये देखेंगे आवर्स कितने उन्होंने काम किए जिसको हम एब्जॉर्ब करवाएंगे, कितना आता है मल्टीप्लाई बाय पर आवर का रेट क्या था, 50 का था, कितना आया 300, उसका भी फेवरेबल आएगा कितना, एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड था 12,600, 2 घंटे लगाओ, ये एक्सपेक्टेड था, तुमने कितने लगाया, नहीं बे एफिशिएंसी, ये काम होना चाहिए था, ये आइडल नहीं आएगा ना बीच में, इसके अवेलेबल आवर्स से 24,000 14,300 घंटे काम कर दिए, ये जो तुमने 12,600 यूनिट बनाए इसका भी यही आएगा, कैपेसिटी एफिशिएंसी का सेम आ जाएगा, ये तुम्हारे पास जो 12,600 यूनिट बनाए ये काम हो जाना चाहिए था तुम्हारा 2 घंटे के हिसाब से ही, और तुमने कितने घंटे एब्जॉर्ब करवा दिए, 2,750 एफिशिएंसी 24,000 यार, ये वाला एफिशिएंसी वाला हम कल देखते हैं उसके साथ, किसके साथ, अमेरिकनों के साथ। अब तुम लोगों को ऑनलाइन वालों सिर्फ एक सवाल रह गया है इंश्योर्ड फार्मा का, वो 2.5-3 घंटे खा जाएगा एक ही सवाल, तो उस सवाल को मैं कल करवा के, कल तुम लोगों की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद ना तुम मेरी शक्ल देखो ना मैं तुम्हारी देखूंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, कल करते हैं बाकी।